सिलक्वारा टनल हादसे में फंसे 40 मजदूरों को लेकर बड़ी खबर आई है। पहाड़ों के बीच भारतीय वायुसेना ने बड़े अभियान को अंजाम दिया है। वायुसेना ने बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हालात में रेस्क्यू इक्विपमेंट को पहाड़ों के बीच पहुंचा दिया है। इस इक्विपमेंट की मदद से ड्रिलिंग करके मलबे को हटाया जाएगा, जिससे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। दूसरी ओर कई देशों के विशेषज्ञों से भी मदद ली जा रही है। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल हादसे को हुए 7 दिन हो गए हैं। टनल में फंसी 40 जिंदगियों को सकुशल टनल से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में केंद्रीय एजेंसियों के साथ 200 लोगों की टीम 24 घंटे काम कर रही है। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड इस मिशन में विशेष रूप से कार्य कर रहा है। वहीं NDRF, SDRF, ITBP, BRO और नेशनल हाईवे की 200 से ज़्यादा लोगों की टीम 24 घंटे रेस्क्यू में जुटी हुई है। इन सभी कवायदों के बाद भी इन 40 मजदूरों को निकालने में सफलता नहीं मिली है। अब भारतीय वायुसेना ने टनल में फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए बड़े अभियान को अंजाम दिया है। वायुसेना ने 27,500 किलोग्राम रेस्क्यू उपकरण को कड़ी चुनौती के बीच बजरी वाले एयर स्ट्रिप पर पहुँचा दिया है। बता दें कि भारतीय वायुसेना के लिए ये ऑपरेशन बहुत मुश्किल था। धरासु में ALG यानी एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड की लंबाई बेहद कम है, साथ ही भारी वजनदार मशीन के साथ यहां लैंड करना बेहद चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था। अगर विमान इस हवाई पट्टी से थोड़ा सा भी बाहर गया तो हादसा होना तय था। इतनी मुश्किलों के बाद भी वायुसेना ने इस अभियान को अंजाम दे दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस उपकरण का वजन एक लोडेड बड़े ट्रक के बराबर है। बता दें कि इस मिशन की मंजूरी मिलने से पहले C-130J सुपर हरक्यूलस के पायलटों ने रनवे की स्थिति और ऑपरेशन के दौरान आने वाली दिक्कतों का अच्छे से जायजा लिया था। बता दें कि उत्तरकाशी में टनल धंसने वाला हादसा 12 नवंबर की सुबह 5:30 बजे हुआ था। इसमें वहां काम कर रहे 40 मजदूर फंस गए थे। फिलहाल टनल में फंसे हुए सभी मजदूर सुरक्षित हैं। उन्हें एयर कंप्रेस्ड पाइप के जरिए ऑक्सीजन दवाएं, खाना और पानी दिया जा रहा है। बचाव अभियान की ताज़ा स्थिति की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी ऑगर मशीन की बेयरिंग खराब हो गई है। इसके कारण मशीन पाइप पुश नहीं कर पा रही है। टनल के अंदर अब तक 22 मीटर ही खुदाई की गई है। साथ ही अब तक सुरंग में 5 पाइप ड्रिल करने के बाद डाले जा चुके हैं। अब नई मशीन से इस अभियान को पूरा किया जाएगा। दूसरी ओर संकट से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड समेत कई देशों के एक्सपर्ट के साथ भी ऑनलाइन सलाह ली जा रही है। भारतीय रेस्क्यू टीम ने थाईलैंड की उस टीम से संपर्क किया है जिन्होंने थाईलैंड की गुफा में फंसे बच्चों को बाहर निकाला था। बता दें कि बच्चों को बचाने वाला अभियान सबसे खतरनाक माना जा रहा था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।